फ्रेंड्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में, यूट्यूबर सुधा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं अपना वीडियो आज का शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का मेरा टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों के साथ कोरोना वायरस जो आजकल बहुत तेज़ी से फैला हुआ है पूरे विश्व में, तो उसी के बारे में आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि आप लोग इस कोरोना सीज़न में खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक यही है, कोरोना वायरस, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व को इसने अपने आगोश में ले लिया है। हर जगह देखिए तो कोरोना कोरोना न्यूज़ में कहीं भी सब जगह कोरोना वायरस, क्यों हो भी ना, ये बहुत संक्रमण करने वाली, मतलब तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जो कि ज़रा सी लापरवाही से भी किसी को भी हो सकती है। तो कोरोना का हम लोग को सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम इससे अभी तक इसका कोई एंटीडोट तो बना नहीं है, कोई इलाज अभी तक, जब तक हमारे डॉक्टर्स या हमारे साइंटिस्ट इसका इलाज कोई ढूंढ नहीं लेते तब तक हम लोग को इससे अपनी बचाव खुद से ही करना है। हमें प्रिकॉशन रख के ही हम इससे बच सकते हैं। तो हम अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को कैसे इस कोरोना से बचा सकते हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो सबसे पहली बात ये कि कोरोना वायरस फैलता कैसे, आप सबको ही पता है कि ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी है और ये सांस द्वारा हमारे अंदर जाएगा, हमारे आँख, नाक, मुंह और कान, हमारे ये चार बॉडी पार्ट्स, जो हमारे फेशियल पार्ट्स हैं, इनके द्वारा ही ये वायरस हमारे अंदर जाता है। हम अगर किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति को से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं या फिर उसके पास खड़े होके बगल में या फिर आपस में बात करते हैं और उसके द्वारा हमारे अंदर उसे छींकता है या खांसता है तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। प्लस अगर उसने किसी चीज़ को टच किया और उस जगह पे हम जाके टच कर लेते हैं, 12 घंटों के तक ये वायरस कहते हैं जिंदा रहता है। तो अगर इसने किसी ने भी संक्रमित व्यक्ति ने किसी को छुआ हुआ है किसी जगह को और हम वहाँ पे हाथ लगा देते तो वायरस हमारे हाथ में भी आएगा, और गलती से भी हमने वो हाथ अपने अपने चेहरे पे कहीं भी लगा लिया तो हमारे अंदर जा सकता है। तो इसके प्रिकॉशन के लिए कि हमें टाइम टाइम पर हर आधे एक घंटे में अपना हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, हैंड वॉश है, या फिर आप हैंड सैनिटाइज़र रख सकते हैं अपने, आप बाहर हैं कहीं, आप घर पे हैं तो आप हैंड वॉश कर सकते हैं क्योंकि घर पे इजीली आपको पानी और साबुन अवेलेबल है, आप घर पे हैंड वॉश कर सकते हैं। पर आप अगर बाहर हैं तो आप हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखें और अपने हाथ को टाइम टाइम पे सैनिटाइज करते हैं, लोगों से नमस्ते करके ही अभिवादन करें और जितना हो सके लोगों से दूरी बना। अब तो देश में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है, देश के 19 राज्यों में लॉकडाउन हो चुका है, सब अपने घरों में कैद हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपने घर में रहें, अपने परिवार में रहें, कोई बाहर मिलने किसी से ना जाएं, इसको एक छुट्टियों की तरह ना बनाएं। बहुत लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है कि चलो चलो छुट्टी हो गई इसी बहाने थोड़ा एंजॉय कर लें, तो नहीं है, एंजॉय करने का टाइम नहीं है। ये बहुत गंभीर स्थिति आ चुकी है हमारे देश में भी, आने हम अपने देश में ये स्थिति ना आने पाए जैसे कि इटली और चाइना में है। तो उससे बचने के लिए ये सरकार ने कदम उठाया और हमें उसका साथ देना चाहिए। मोदी जी ने जो भी अच्छे कदम उठाए हमें उनका साथ देना चाहिए ताकि हम पूरा देश हम साथ में इस कोरोना वायरस से लड़ सकें और इससे अपने परिवार का बचाव कर सकें। तो फ्रेंड्स, कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हम अपने घर में अपना के और अपनी चीज़ों को इस वायरस से अपने घर को अपने परिवार को बचा सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा शरीर, फ्रेंड्स, जैसे हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिक, हमारे सिपाही होते हैं और वो हमारे जवान जो होते हैं वो किसी भी आतंकवादी या घुसपैठियों को अंदर आने से रोकते हैं और उससे हमें बचाते हैं, उसी तरह हमारे जो बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी एक जो हमारा सिस्टम है वो भी एक इसी तरीके से सैनिक के तरीके से काम करता है जिसको इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। इम्यूनिटी हमारी जो होती है वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को अगर हमारे शरीर में गलती से आ भी जाता है तो उससे उसको फाइट करके बाहर कर देती है जिससे कि हम वापस रिकवर होकर ठीक हो जाते हैं। बट क्या है कि कोरोना वायरस ऐसा है कि जिसके अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी वो उसको उसके अंदर घर कर लेता है, फिर उसके ठीक होने के बहुत कम चांसेस हैं। कोरोना का खौफ इसीलिए भी है क्योंकि इसकी लाइलाज बीमारी है
और सेकेंडली इसका इतना जो डर है लोगों में कुछ गलतफहमी की वजह से है। कोरोना ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना हो गया वो बस ख़त्म ही हो जाएगा, उसकी डेथ ही हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 में से 3 लोग ही अगर कोरोना से संक्रमित हैं, 100 लोग, और उनमें से 3 ही लोग की डेथ होती है, क्योंकि जो लोग जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जैसे कि 60 के ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी, और हमारे छोटे बच्चों की, इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ये इनकी बॉडी उतना उसको झेल नहीं पाती है, और इसलिए उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, और इसके लिए हम उनको हमेशा मतलब सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करें, और अपनी सबसे पहले अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है हमारी, हम उसको बूस्ट करें। तो कुछ चीज़ें घर में हो सकती हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को, अपना अच्छा खान पान, अपना अच्छा जो रहन सहन है, टाइम टेबल है जो हमारा, उसको हम फॉलो करें अच्छे से, और अच्छे से रहें तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, जिससे हमारे अगर गलती से भी हमें कोरोना होता भी है तो हमारे शरीर उसको उससे लड़के और हमें उसको ठीक कर दे और हम अच्छे हो जाएं। तो फ्रेंड्स, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें, कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो अपना खान पान अच्छा रखें। हमें खाने में क्या खाना है, हमें इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जो सीज़न चला हुआ है, इस टाइम पे हमें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा तीखी चीज़ें, सिट्रसी चीज़ों की जो है उनको भरपूर मात्रा में उनका सेवन करना है। जैसे कि हल्दी होती है जो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक होती है, तो हल्दी का हमें ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर दाल में अभी तक 1 चम्मच हल्दी डालते थे, आप उसको 1.5 चम्मच, 2 चम्मच भी कर सकते हैं। थोड़ा स्वाद थोड़ा हमें थोड़ा अलग लगेगा, बट हाँ, वो दवाई की तरह है, हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा सकते हैं इस टाइम। हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गई, अदरक हो गई, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। फ्रूट्स में हमें जितनी भी विटामिन सी वाली चीज़ें, जितनी भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया, आपका कीवी हो गया, टमेटोज हो गए, चेरी हो गई, और जितने भी खट्टे फल, पाइनएप्पल हो गया, ये जितने भी खट्टे टाइप के फल होते हैं ना, वो फल सारे ही हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और सब्जियों में आपका बैंगन हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गई, बीन्स हो गई, हरी सब्जियां हो गई, कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। टाइम टाइम पे आप नारियल पानी पिए, जूस पिए, दूध पिए, छाछ पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेने से जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो अगर हमारे अंदर कोई रोग लगता भी है तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेती है। तो ये हमारी खाने पीने की चीज़ें हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी आप लोगों को कि जो हमारा गिलोय होता है, ये हमारी एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सब में दी जाती है। और आप कोरोना के भी लक्षण ऐसे ही होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो ये सबसे मेन दवा है हमारी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारे खून को साफ करती है, हमारे खून में जो भी गंदगी होती है उसको साफ करती है, प्लस हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको बूस्ट करता है, उसको बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी इम्यूनिटी की बात, प्लस आज मैं साथ साथ तो अपना इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना मंथली ग्रोसरी शॉपिंग भी दिखाने वाली हूँ। मंथली ग्रोसरी शॉपिंग वैसे मेरी इस महीने की हो चुकी थी, मार्च का महीना है तो त्योहारों का, होली वगैरह का टाइम है, तो हर महीने की शुरुआत में ही मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर लेती हूँ। 1-2 तारीख तक मेरी लिस्ट बन जाती है, 3-4 तक मेरा सामान आ जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, मैंने सारा सामान ले लिया था, बट जब ये कोरोना वगैरह का फैलने लगा और न्यूज़ वगैरह में आने लग गया, फिर व्हाट्सअप वगैरह पर भी आने लग गया कि लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है, कर्फ्यू वगैरह भी लग सकता है, तो ये इस टाइम पे, कोरोना में के टाइम पे बाहर निकलना भी हानिकारक है, तो हमने अपना जो ग्रॉसरी का थोड़ा और जो सामान था हमने एक्स्ट्रा में ले लिया। वैसे सरकार ने, मोदी सरकार ने बोला है और है भी कि ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ों की दुकानें खुली रहेंगी और सब कुछ आप ले सकते हैं, जो ज़रूरत डेली नीड की जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें मिल सकती हैं, बट हम रिस्क क्यों लो कि हमें रोज़ रोज़ बाहर जाना पड़े कि इन्हीं चीज़ों के लिए, तो हमने ग्रोसरी वगैरह थोड़ी एक्स्ट्रा करके अपनी खरीद ली है। तो मैं दिखाने वाली हूँ कि हमने क्या क्या लिया है अपने ये कोरोना टाइम के लिए, जो स्टोरेज के लिए हमने अभी एक्स्ट्रा में क्या क्या ले लिया है। और अभी अभी से ये हालत था कि जब हम सामान ये लेने के लिए गए तो शॉप्स पर इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा रश था कि
कोई चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं, आप वहाँ पे अपना ब्रांड नहीं बता सकते कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, आपको इस कंपनी का आप आटा लेते हैं, तेल लेते हैं तो आपको वही मिलना चाहिए, आपको जो मिल रहा है आप लीजिए बस इस टाइम पे। इतनी ज़्यादा मार्केट में सबको भाई सब वरीड हो जाते हैं कि पता नहीं फिर बाद में मिले ना मिले, शॉप्स खुली रहे या ना रहे, या सामान के लिए जो भी है जो मिले या ना मिले, तो ये चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा रास्ता है दुकानों पे। हम कैसे भी करके सामान लिया है और हमने कहा चलो अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत या बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई काम आया तो ही हमें बाहर जाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को या हमें, मुझे या मेरे बेबी को, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अब घर में लॉकडाउन ही है और ऑफिस से भी इन लोगों का यही हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है तो ये लोग घर से ही अपना काम करते हैं, तो अब कोरोना की वजह से सब घर में ही बंद हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी ग्रॉसरी कि हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले नूडल्स, कितनी मुझे नाश्ते के लिए हल्का फुल्का, कभी कुछ भूख लगती है शाम वगैरह को तो नूडल्स बन जाती है, मेरी डॉटर को भी पसंद है तो हमने लिए हैं नूडल्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पैकेट नूडल्स हैं। और ये एक दूध का डब्बा है, उसमें आटा लग गया है, बोरी में रखा था। ये पाउडर वाला मिल्क है, 380 रुपये का पड़ा है। और ये हमने लिया है दूध, जैसे मान लो दूध की सप्लाईज अगर बंद हो जाती हैं या फिर नहीं मिलता है मार्केट में, वैसे पैकेट वाला दूध तो अभी भी नहीं मिल रहा है, उसकी शॉर्टेज चल रही है, तो मान लो घर में चाय वगैरह के लिए कम से कम ये पाउडर वाला दूध तो रहेगा। एटलीस्ट मेरी डॉटर है उसको तो रात को बिना दूध पिए नींद ही नहीं आती, कम से कम अगर मुश्किल में है तो उसको हम ये दूध मतलब पाउडर का ही दूध बना के कम से कम उसको सुला तो सकते हैं। एटलीस्ट वो खाना खा लेती है, सब कुछ रहता है, फिर भी उसको अब आदत हो चली है, बचपन से अगर बॉटल वगैरह पीते रहते हैं। और एक ये सब्जी मसाला एवरेस्ट का, ये मूंग की दाल 2 किलो, अभी 2 किलो मैंने मंगाई थी उस पर होली के टाइम पे, या जो हमारा ग्रोसरी पहले आ चुका है इस मंथ का वो मंगाया था, फिर भी मैंने 2 किलो मंगा लिया है आगे के लिए भी। और ये हल्दी पाउडर, यहाँ दिल्ली में गाय छाप चलता है। और लाइट कम हो रही है। और ये डेटॉल साबुन, ये टाइम पे डेटॉल ही सही है, और वैसे पियर्स डव वगैरह आता है और इस समय पे डेटॉल ही सही है। और चीनी 2 किलो, 2 किलो पहले भी आई थी। और ये पाउडर रिन वॉशिंग पाउडर, और ये 2 पैकेट है हमारे पास वॉशिंग पाउडर, और सारा सामान एक्चुअली ये कट्टे में बोरी में रखा हुआ है, मैं उसमें से निकाल के दिखा रही हूँ। ये रिन साबुन कपड़ों के लिए, ये भी है 1 डज़न है। और मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर का पैकेट, इसमें भी आटा लग गया है, अंदर ही रखा है इसमें कट्टे में, तो ये सारा लगता है आटे का पैकेट हल्का सा कहीं से खुला है क्या। और अरहर की दाल 2 किलो, और क्या है ये काबुली चने 2 किलो, क्योंकि इस टाइम पे हम सब्जियों वगैरह के लिए भी ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, मिली तो ठीक है, नहीं तो जो दाल राजमा छोले ये चीज़ों से ही काम चलाना पड़ेगा, तो ये 2 किलो छोले वाइट वाले। और ये राजमा 1 किलो राजमा है, पहले का भी आया हुआ है जो ग्रोसरी मैंने बताया कि आ चुकी है उसमें भी आया हुआ है, फिर भी मैंने डबल डबल हर चीज़ डबल डबल मंगा ली है। और इसमें देखते हैं क्या है, रिफाइंड ऑयल 2 पैकेट है, और बर्तन मांजने का जो हमारा विम है, ये हमारा विम, तो 6 ये है,
तो यही है हमारी अभी ग्रोसरी मंथली, जो बहुत नीड नीड की चीज़ें हैं जो हमें लगेंगी ही घर में, आटा दाल चावल, चावल की 20 किलो की जो कट्टा आता है वो ले रखा है हमने, और आटे का भी ऐसे ही, ये आप देख सकते हैं मैं कैसे उठाऊँ, थोड़ा भारी है आटे का ये पैकेट है इधर, ये पैकेट हमने ले रखा है 10-10 किलो का, 2 पैकेट ले रखा है। तो ये हमारी जो स्टोरेज वाली शॉपिंग थी, ये हमारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं इस कोरोना के टाइम पे, कैसे मैनेज कर रहे हैं, मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए, और मैं आप लोगों के कमेंट रीड भी करती हूँ। तो मेरे चैनल को फिर से मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहे, और अपना प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखें।